जय हिंद साथियों आर आर अंडर ग्रेजुएट टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वहीं एक आर ऐसा है जहां पे सबसे अधिक फॉर्म डाले जा रहे हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें चार आर ऐसे हैं जिनमें तिरपन परसेंट लोग जो है फॉर्म डाल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं जो चार आर आर बी हैं अभी आप लोगों को आगे दिखाने वाले हैं और साथ ही में सेफ जोन भी बताएंगे और डेंजर जोन कौन सा रहेगा ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं तो ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही में बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का यह मास्टर बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं 2018 से ले लेकर 2024 के बीच में जितने भी रेलवे ने एक्जाम कराए उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और इसमें आप लोगों को भौतिक विज्ञान के पांच क्वेश्चन रसायन विज्ञान के पांच जीव विज्ञान के एक कंप्यूटर के दो इतिहास के पांच संविधान पांच अर्थशास्त्र पांच भूगोल पांच और एन के एक ये सब पी वाई क्यू है अगर साथियों इन सभी क्वेश्चन को एड किया जाए तो टोटल तिरपन प्लस क्वेश्चन बनते हैं और ये बुक का पीडीएफ आपको कितने में मिलेगा तो सिर्फ पचास में ये

PDF कैसा पीडीएफ दिखता है, यहां पे दिखता है। यहां पे सभी क्वेश्चन टाइप करके बनाए गए हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट का ऐसे बनाया गया है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें और इसको परचेज आप लोग जल्द से जल्द कर लें क्योंकि सभी नजदीक आ रहे हैं तो ये मास्टर बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल तो साथियों अभी आप लोग ये पूछने वाले होंगे कि सर ये क्या चीज़ हमें दिखा रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोल डाले थे जिस जिसमें ये सवाल पूछा गया था आप लोगों से कि एन टी पी सी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म किस आरआरबी से भरेंगे या भरे हैं जो लोग फॉर्म भर दिए हैं उनसे भी सवाल था जो लोग अभी भरेंगे उनसे भी ये सवाल पूछा गया था लेकिन अभी आप लोग ये कहने वाले होंगे कि सर सभी यूट्यूबर जो हैं डेटा बताते हैं कि दो लाख फॉर्म फिलअप हो गया इस आर में उसमें पाँच लाख हो गया है चार लाख हो गया है तो आप लोगों को बता दें जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि किसी भी प्रकार से डी नहीं किया जा सकता ना तो ट्रांजेक्शन आई को ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर को बहुत लोग ट्रांजेक्शन आईडी का जो है हवाला दे रहे हैं लेकिन बिल्कुल वो भी गलत है कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो बिल्कुल ये डेटा निकाल ही नहीं सकता जब डाटा ही नहीं डोड हो रहा तो कैसे आपको कोई बताएगा भाई आप लोग खुद सोचिए तो बिल्कुल किसी भी माध्यम से नहीं निकल पा रहा है तो ये बेस्ट आइडिया है आप लोगों के लिए इससे आप लोगों को हंड्रेड पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट किस आर की तरफ मूव कर रहे हैं और जो मिनिमम स्टूडेंट किस आर में जा रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो मुंबई में देखिए उन्नीस स्टूडेंट जो है मुंबई में यहाँ पर वोट दिए हैं यानी उन्नीस मुंबई में लोग जा रहे हैं बिल्कुल सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी भी है और यहाँ पे सिक्वेंस वाइज भी जो है वैकेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिए हैं ठीक है तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे सेकंड पे जो कोलकाता है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 12 परसेंट लोगों ने यहाँ पे भी पोल किया है और प्रयागराज में यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 9 परसेंट लोगों ने वोट किया जबकि चंडीगढ़ में 5 परसेंट अहमदाबाद में ग्यारह चेन्नई में नौ लोगों ने यहाँ पे पोल किया है और नीचे अगर हम लोग आते हैं तो गुवाहाटी में गुवाहाटी में ग्यारह परसेंट लोगों ने वोट किया जम्मू में पाँच बिलासपुर में छः और अदर आर आर बी में पंद्रह अब आप लोग कहने वाले हैं कि अदर आर आर बी क्या है पहली बात अगर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में पोल लगाता है तो दस ही ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन आता है नौ तो इधर हम आर आर बी ले लिए एक जो है यहाँ पे अदर जोन ले लिए जिससे ये पता चल सके जिनको इसमें इस आर आर बी में नहीं जाना है वो अदर आर आर बी पे यहाँ पे अपना वोट देगा तो पंद्रह परसेंट जो लोग हैं ये सिर्फ कहाँ जा रहे हैं पंद्रह परसेंट लोग ये जा रहे हैं कितने आर में तो आप लोगों को पता होगा ये लोग जा रहे हैं बारह आर में और नौ नौ आर में कितने परसेंट लोग जा रहे हैं तो नौ आर में आपके जा रहे हैं टोटल यहाँ पे पचासी परसेंट लोग ठीक है तो यानी कि इन नौ आर में ज़्यादातर भीड़ है आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बाकी इनमें जो है बारह आर में पंद्रह परसेंट लोग जा रहे हैं इस पोल के अकॉर्डिंग ना मैं अपने अनुसार बोल रहा हूँ ना किसी और के कहने पर बोल रहा हूँ ये चीज़ आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं तो यहाँ पे इतने परसेंट किस आर आर बी में मूव कर रहे हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक फॉर्म किस में पड़ रहे हैं मुंबई में और अभी हम जैसे थंबनेल पे भी लिखे थे कि तिरपन परसेंट जो है लोग वो चार आर आर बी में जा रहे हैं तो बिल्कुल हम वो भी बातें आप लोगों को बताने वाले हैं अगर यहाँ पर मुंबई कोलकाता अहमदाबाद और नीचे अगर आते हैं यहाँ पर गुवाहाटी अगर इन सबको जोड़ लिया जाए चार आर आर बी को तो टोटल तिरपन परसेंट कैंडिडेट इन्हीं चार आर आर बी में मूव कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे आप लोग सबसे ज्यादा भीड़ समझ सकते हैं कि मुंबई में रहने वाला है निश्चित एकदम हंड्रेड परसेंट सबसे अधिक वैकेंसी है तो वहाँ पे भीड़ ज्यादा होगा ये आप लोग मान के चलिए अब पोल आप लोग देख लिए कि किस आर में कितना पोल हुआ है अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस जोन में आपको जाना चाहिए क्योंकि अब दो ही दिन का टाइम बचा है ज्यादा टाइम नहीं है तो अगर हमारे अकॉर्डिंग आप लोग जानना चाहते हैं कि किस आर में जाना चाहिए तो पहली बात आप लोगों को बता दें कि कम से कम मान के चलिए कि नब्बे परसेंट ये चांस है कि वैकेंसी जो है इंक्रीज होगा ठीक है बहुत कम ही चांस है कि वैकेंसी ना इंक्रीज़ हो देखिए ये गवर्नमेंट के ऊपर है उनके पॉलिसी में है अगर वो चाहेंगे तभी इंक्रीज होगा अन्यथा कोई इसको इंक्रीज़ नहीं करवा सकता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये सब बातें ठीक है तो ज़्यादातर हम चांसेस यही समझेंगे कि वैकेंसी इंक्रीज होगा इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग फॉर्म ना डालें कम वैकेंसी देख आप लोग ज़रूर फॉर्म डालें अब कौन सा आर आपके लिए सेफ होगा इसके बारे में बता दें तो तो पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई भी आर सेफ़ नहीं है बिल्कुल कट ऑफ बहुत हाई जाने वाले हैं क्योंकि वैकेंसी कम है तो ऐसे में आपके लिए कौन सा सेफ़ जोन होने वाला है बिल्कुल जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है आप लोग वहीं डालिए कम वैकेंसी में मत जाइए ठीक है हो सकता है वैकेंसी ना इंक्रीज हो तब आप क्या करेंगे तो ऐसे में आपके पास आपके पास जो भी जोन है करीब में और ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे है तो आप लोग ऐसे आरआरबी को चुनिए जैसे यूपी वाले हैं तो गोरखपुर चले जाइए प्रयागराज चले जाइए या नहीं जिसका मन करे वो मुंबई जाए वो किसी भी स्टेट का है जिस जिसका भी मन करे मुंबई ज़रूर जाए क्योंकि वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा है अब ऐसे में मुंबई में गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर यहाँ पे देखिए 120 वैकेंसी है सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर अपना आप देख सकते हैं और जैसे यहाँ पे बात किया जाए मुंबई का तो मुंबई का यहाँ पर देखिए सात समझिए वैकेंसी है छः है अगर सात वैकेंसी है तो काफ़ी ज़्यादा जोन काफ़ी ज़्यादा स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म भरेंगे ये तो निश्चित है क्योंकि तो यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा है सेकंड पे कोलकाता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग जाएंगे देखिए प्रयागराज में भी ठीक ठाक वैकेंसी है ऐसा नहीं है कि बहुत कम है तो इन सब के पास वाले जितने भी जोन वाले हैं ऐसे ही जोन में जाए जहाँ पे हंड्रेड प्लस वैकेंसी आपके करीब में जो भी है आप वहाँ पर निसंकोच एकदम जा सकते हैं इन सब आर में अगर आपका कोई है आप मतलब उन्हीं के आसपास के हैं तो बिल्कुल जाइए वहाँ पर ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है कट ऑफ हर जगह का हाई जाने वाला है एकदम रियल बात और कोई नहीं बता सकता टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए इसका ठीक है सब लोग अनुमान बता रहे हैं कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो कितना भी छोटा हो आप खुद से निकालिए कि आपसे डिकोड हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि डिकोड करेंगे अगर ऐसा होता तो सभी यूट्यूबर ये डेटा बता रहे होते लेकिन कोई नहीं बता पा रहा है तो इसका बेस्ट जो आइडिया है आप लोगों को हम बता दिए हैं कि क्या आइडिया इसका बेस्ट है यही पोल पोल के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट किस आर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे हमारी बातें क्योंकि ये लास्ट वीडियो था इस टॉपिक पे इसके बाद इस पर कोई वीडियो आने वाला नहीं है तो अभी आप लोग सही जोन देख कर भर दीजिए फॉर्म और मास्टर बुक का पी नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए स्पेशल आपके लिए ही टाइप करके बनाया गया भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत उसमें लगा है ठीक है तो आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे हमारे संपर्क करके बुक को ले लीजिए उसका अगर डेमो देखना चाहते हैं तो ऐड में बताए हैं ठीक है आप लोग देख लिए होंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू